Divine Thoughts, a journey to the innermost recesses of our soul. सबको जय यीशु। बड़े उपवास काल के इस शुभ दिन में हम प्रभु मसीह का चेला पेत्रुस के बारे में मनन चिंतन करने जा रहे हैं। हमें मालूम है कि ईसा मसीह अपने सामाजिक जीवन के शुरुआत में शिशु लोगों को चुन लिए हम धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं। उनमें सबसे पहला शिष्य था सिमोन पेत्रुस। प्रभु मसीह का सामाजिक जीवन में उनका साथ दिया हुआ एक घनिष्ठ शिष्य भी था सिमोन पेत्रुस। अगर हम धर्म ग्रंथ में देखते तो हमें पता चलेगा कि ईसा कुछ शिष्यों को खास ध्यान देता था। उनमें एक व्यक्ति था पेत्रुस। इन कार्यों का ठीक उदाहरण हमें संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 21 में देख सकते हैं कि ईसा ने पेत्रुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा किसी का भी अपने साथ आने नहीं दिया। प्रभु मसीह के उपागमन के समय भी इन शिष्यों का सानिध्य उनके साथ हम देख सकते हैं। संत योहन के सुसमाचार में अध्याय 21 पद संख्या 12 में अगर हम पढ़ते तो हम देखेंगे कि पेत्रुस को ईसा ने कलीसिया के ऊपर अधिकार देते हुए नजर आते हैं। इतना घनिष्ठ शिष्य होने के नाते सिमोन पेत्रुस प्रभु ईसा को आखिरी वक्त में इतना घनिष्ठ शिष्य होने के नाते सिमोन पेत्रुस ईसा को आखिरी में अस्वीकार करते हैं। पेत्रुस ने अपने मुंह से कहा कि प्रभु मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, पर उस आखिरी वक्त के समय उसने प्रभु को 3 बार अस्वीकार किया। लेकिन अपने पुनरुत्थान के बाद जब ईसा शिष्यों को दिखाई देते समय पेत्रुस से ऐसा पूछते हैं कि सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? इस सवाल का जवाब देते हुए पेत्रुस कहते हैं, जी हाँ प्रभु, मैं आपको प्यार करता हूँ। ईसा मसीह पेत्रुस को अपने भेड़ों को चराने और उन्हें अनुसरण करने बोले। इस पावन अवसर में हम भी अपनी जिंदगी के बारे में जरा सोचें कि कई इच्छाओं के लिए, पैसा के लिए और अपनी सुख सुविधाओं के लिए मसीह को हम भी त्याग दिए होंगे। इसलिए भाइयों, इस उपवास काल में हम भी प्रभु मसीह के पास रहने और पेत्रुस की तरह उन्हें प्यार करने की कोशिश करें। प्रभु मसीह हम सभी पर प्रचुर आशीष बरसाएं।